हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में रूट ऑफ इक्वेशन के सेकंड मेथड फालसे पोजीशन मेथड, जिसे शॉर्ट में FPM बोलते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे लेक्चर में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इट इज़ आल्सो नोन एज रेगुला फालसी मेथड। तो फालसे पोजीशन मेथड का दूसरा नाम है रेगुला फालसी मेथड। इट्स अ मैथड टू फाइंड रूट ऑफ एनी गिवेन इक्वेशन। ये एक मैथड होता है जिससे हम किसी भी गिवेन इक्वेशन का, चाहे वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो या नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, उसका रूट फाइंड करते हैं। फार्मूला ऑफ FPM, FPM मतलब फालसे पोजीशन मैथड, इज एक्स की पावर एन इक्वल टू, नहीं, एक्स एन इक्वल टू एक्स जीरो माइनस ब्रैकेट में एक्स वन माइनस एक्स जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए हम क्वेश्चन में के माध्यम से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव बाई फालसे पोजिशन मैथड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवेन इक्वेशन को क्या करेंगे, गिवेन इक्वेशन को हम मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसे क्वेश्चन वन मान लिया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि एफ के किस वैल्यू पर इसका पॉजिटिव मान आता है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर जीरो रखेंगे, जीरो का क्यूब माइनस टू इंटू जीरो माइनस फाइव, सॉल्व करेंगे तो माइनस फाइव आ गया जो कि निगेटिव है। एफ ऑफ वन पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ वन इक्वल टू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन माइनस फाइव, सॉल्व करेंगे माइनस सिक्स आएगा जो कि निगेटिव है। एफ ऑफ टू निकालेंगे, एफ ऑफ टू इक्वल टू टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू माइनस फाइव, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो एट माइनस फोर माइनस फाइव, सॉल्व करेंगे माइनस वन आएगा जो कि निगेटिव है। एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे तो थ्री का क्यूब माइनस टू इंटू थ्री माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन, टू इंटू थ्री माइनस सिक्स माइनस फाइव, ट्वेंटी सेवन में से अलेवन आएगा, सिक्सटीन आएगा जो कि पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ जाए तो वहीं पर हमें लाइज बिटवीन मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, मतलब जिस पर पॉजिटिव आया है जस्ट उसके पहले वाली वैल्यू। तो लिखेंगे स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे रूट, देयर फोर रूट लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच लाइज कर रहा है, टू और थ्री, हमेशा छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे तो टू एंड थ्री। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट, जो भी फार्मूला हमने बताया था आपको, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू एक्स जीरो ब्रैकेट में एक्स वन माइनस एक्स जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। स्टूडेंट यहाँ पे जो बिटवीन वाला प्लेस है, यहाँ पे जो बिटवीन वाला प्लेस है स्टूडेंट, यहाँ पे इसे हम पहले वाले को x0 मान के चलते हैं, इसको x1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे x2, वैसे फार्मूले में xn है लेकिन हम यहाँ पे x2 इक्वल टू लिखेंगे x0 माइनस एफ x1, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले में x1 है तो दो बार x1 डाउट क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसे मैं x2 मान लिया। x2 इक्वल टू x0 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ जीरो। अब हमें सबकी वैल्यू रखना है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे x0 क्या है 2 और x1 क्या है 3, f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 2 क्या है माइनस वन, और f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 3 क्या है 16 है, वही वैल्यू रखते जाएंगे। तो x0 मतलब 2 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस एक्स x0 मतलब 3 माइनस 2 अपॉन x1 f ऑफ x1 16 है, तो 16 माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ टू है माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो के प्लेस पे टू रखेंगे तो एफ ऑफ टू माइनस वन आया था तो माइनस वन। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टू प्लस थ्री में से टू जाएगा वन बचेगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्सटीन में से सिक्सटीन में वन ऐड करेंगे तो सेवनटीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कैलकुलेटर से सेवन वन में सेवनटीन को डिवाइड करेंगे तो वन डिवाइड बाय सेवनटीन जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे, जो आपका टू है इक्वल टू आ जाएगा, देखो टू पॉइंट जीरो आपके सामने दिख रहा होगा, टू पॉइंट जीरो फाइव, टू पॉइंट जीरो फाइव एट एट टू थ्री समथिंग आ रहा है, देखो यहाँ पे टू पॉइंट जीरो फाइव एट एट टू थ्री। लेकिन हमें क्या करना है, फॉल्स पोजिशन मैथड में डेसिमल के फोर प्लेस तक राउंड फिगर करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ये आपका फाइव प्लेस फाइव से लेस है, तो जब इसे हाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में कुछ ऐड नहीं करेंगे, फाइव या फाइव से ज़्यादा होता तो एक वन डिजिट हम ऐड करते थे लेफ्ट साइड में। तो हमारा एक्स टू की वैल्यू आ गया टू पॉइंट जीरो फाइव एट एट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन से करने से पहले हमें निकालेंगे एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे, तो आइए देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एफ ऑफ
2.0588 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम जो फंक्शन हमारा दिया गया उसमें x के प्लेस पर 2.0588 रखेंगे, तो 2.0588 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.0588 माइनस 5, इसे कैलकुलेटर से, चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लो या सिंपल कैलकुलेटर, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.3910526। इसे हम 4 प्लेस तक राउंड फिगर करेंगे स्टूडेंट, तो जब इस 5 को हम यहां से हाइड करेंगे तो यहां पे एक 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा इसका आ जाएगा माइनस 0.3911 जो कि निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू होता है तो हमारा लेफ्ट साइड चेंज होता है, लेफ्ट साइड अभी हमारा लाइज बिटवीन कर रहा था 2 और 3, तो अब लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगा, 2 के प्लेस पर आ जाएगा x2 की वैल्यू जो कि है 2.0588। तो therefore root lies between 2.0588 and right side change नहीं होगा तो 3 रहेगा। अब हमें second approximation पे आ जाएंगे, आई second approximation पे x3 equal to वही x0 minus bracket में x1 minus x0 upon f of x1 minus f of x0 bracket close multiplied by f of x0, सबकी value रखेंगे student। तो यहाँ पे फिर आप देख लीजिए जो left side है वो x0 का काम करेगा और जो right side है वो x1 का काम करेगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका x0 की वैल्यू है 2.0588 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 3 माइनस 2.0588 अपॉन एक्स एफ ऑफ x1 की वैल्यू 16 है माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू अभी आया था माइनस 0.3911, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.3911 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x0 तो माइनस 0.3911। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, तो 2.0588 प्लस 3 में से जब इसे माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आएगा माइनस 9412 मल्टीप्लाइड बाय 3.3911 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16.3911 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपके सामने, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.08125751169। हमें 4 प्लेस तक राउंड फिगर करना है, ये डेसिमल का 4 प्लेस है, यहाँ पर 5 प्लस 5 है, 5 को हटाएंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 2.0813 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ 2.0813 की वैल्यू निकालना है, रखेंगे इसमें फंक्शन में रखेंगे जो इक्वेशन दिया गया है, तो 2.0813 का होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.0813 माइनस 5, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा माइनस 0.1468000449। 4 प्लेस तक राउंड फिगर करेंगे तो माइनस 0.1468 आ जाएगा जो कि निगेटिव है, निगेटिव है तो लेफ्ट साइड चेंज होगा, अभी तक लेफ्ट साइड हमारा था 2.0588, उसके प्लेस पे आ जाएगा x3 की वैल्यू जो है 2.0813 आ जाएगा, तो रूट लाइज बिटवीन 2.0813 एंड 3। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट x4 वही x0, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाला x0 का काम करेगा, राइट वाला x1 का वर्क करेगा, तो हो जाएगा x0 मतलब 2.0813 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 तो 3 माइनस 2.0813 अपॉन f ऑफ x1 मतलब 16 माइनस f ऑफ x0 की वैल्यू आया था माइनस 0.1468, तो 16 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.1468 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x0 तो माइनस 0.1468, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2.0813 प्लस 3 में से इसे माइनस करेंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1348615 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16.1468। अब इस वैल्यू में से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.008352 और इसको हमें इसमें ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा फाइनल आंसर 2.0896524387। 4 डिजिट तक राउंड फिगर करेंगे तो इस 5th डिजिट जो 5 है, 5 को जब हाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.0897। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2.0897 फंक्शन में रखेंगे इसकी वैल्यू एक्स के प्लेस पर, तो 2.0897 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.0897 माइनस 5, सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0540173 आएगा, 4 प्लेस तक राउंड फिगर करेंगे तो माइनस 0.0545 जो कि निगेटिव है तो लेफ्ट साइड चेंज होगा, तो हेंस देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2.08997 एंड 3। अब आगे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे, आगे अप्रॉक्सीमेशन 4 हेरी डाल लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन 4 फिर निकालेंगे x5 इक्वल टू वही x0 माइनस फार्मूला लगाएंगे
एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ पे है लेफ्ट साइड का, तो 2.0897 माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, 3 माइनस 2.0897 अपॉन 16 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू है माइनस 0.0540 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस 0.0540। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.0897 प्लस 3 में से ये माइनस करो जो आए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0491562 अपॉन माइनस माइनस यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा 16.0540। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे और ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.0927619284949। फोर डिजिट तक राउंड फिगर करेंगे तो 1 2 3 4 ये 6 को हटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो आएगा x5 इक्वल टू 2.0928। ये कब तक करेंगे? अब क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक कि x की दो वैल्यू पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेस तक इक्वल ना आ जाए। जब तक जो x की वैल्यू जा रहा है x3 x4 x5 वो पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेस तक इक्वल नहीं आ जाएगा, तब तक हम अप्रोक्सीमेशन को फाइंड आउट करते रहेंगे। अभी देखिए आपका जो x4 आया था वो आया था स्टूडेंट 2.0897 और x5 आया है 2.092। अभी पॉइंट के 1 डेसिमल तक ही इक्वल है, जबकि 3 डेसिमल प्लेस तक इक्वल आना चाहिए, तब तक हम फाइंड आउट करते रहेंगे। अब फाइंड करेंगे f ऑफ x5 की वैल्यू, एफ ऑफ 2.0928 इक्वल टू हो जाएगा 2.0928 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.0928 माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0195297 8। राउंड फिगर करेंगे 4 डिजिट तक तो इक्वल टू माइनस 0.0195 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड चेंज होगा, रूट लाइज बिटवीन, अब लेफ्ट साइड के प्लेस पर आ जाएगा 2.0928 एंड 3। यहाँ पे अब अगले अप्रॉक्सीमेशन में एक्स जीरो काम करेगा और ये एक्स वन का काम करेगा। तो आइए आगे देखते हैं, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे तो एक्स सिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स जीरो मतलब 2.0928 माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, 3 माइनस 2.0928 अपॉन एफ ऑफ एक्स वन 16 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, तो ब्रैकेट में माइनस 0.0195 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स जीरो, तो माइनस 0.0195। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2.0928 प्लस, अब 3 में से ये माइनस करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0176904, और माइनस माइनस प्लस होके 16.0195, इसमें ये डिवाइड करेंगे और ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 2.0939043042। फोर डिजिट तक राउंड फिगर करेंगे स्टूडेंट, ये देखो आपका फिफ्थ डिजिट जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आ जाएगा x6 इक्वल टू 2.0939। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे x5 आ रहा था 2.0928 और x6 आ रहा है 2.093, अभी डेसिमल के दो प्लेस तक सेम आ रहा है, मतलब अभी हमें अप्रॉक्सीमेशन आगे फाइंड करना है। तो आइए फिर निकालते हैं, एफ ऑफ 2.0939 इक्वल टू हो जाएगा 2.0939 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0939 माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0072688। राउंड फिगर करेंगे 4 डिजिट तक तो आ जाएगा माइनस 0.0073, जो कि नेगेटिव है, लेफ्ट साइड चेंज होगा, तो रूट लाइज बिटवीन हो जाएगा 2.0939 एंड 3। अगले अप्रॉक्सीमेशन में स्टूडेंट लेफ्ट वाला x0 का वर्क करेगा, राइट वाला x1 का वर्क करेगा, फिर हम 6 अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। x7 हो जाएगा x0 मतलब 2.0939 माइनस 3 माइनस 2.0939 अपॉन एफ ऑफ x1 16 माइनस एफ ऑफ x0, तो माइनस 0.0073 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.0073 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.0939 प्लस, 3 में से ये माइनस करके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.0661453 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16.0073। तो इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे जो आएगा, इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.0943131951959। राउंड फिगर करेंगे स्टूडेंट हो जाएगा x7 इक्वल टू 2.0943, अभी भी दो ही प्लेस तक इक्वल है, 3 प्लेस तक इक्वल नहीं, तो अभी और आगे फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2.0943 इक्वल टू हो जाएगा 2.0943 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.0934 माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0028064 आ जाएगा। 4 डिजिट तक राउंड फिगर करेंगे तो इक्वल टू माइनस 0.0024 आ जाएगा, जो कि निगेटिव है, इसका मतलब हमारा अभी भी हमें अप्रॉक्सीमेशन और फाइंड करना है।
तो हो जाएगा स्टूडेंट, सो रूट लाइज बिट में लेफ्ट साइड चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आया है, तो आ जाएगा 2.0943 and 3। ये अगले अप्रॉक्सीमेशन में स्टूडेंट ये x0 का काम करेगा लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला x1 का काम करेगा। तो अब निकालेंगे सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन, तो x8 इक्वल टू हो जाएगा 2.0943 माइनस x1 माइनस x0, तो 3 माइनस 2.0943 अपॉन f ऑफ x1 16 माइनस f ऑफ x0, तो माइनस 0.0028 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x0, तो माइनस 0.0028 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.0943 प्लस 3 में से ये माइनस करके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0253596 अपॉन माइनस माइनस प्लस 16.0028। इसमें से ये डिवाइड करो तो ये आ गया, इसे इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 2.09944584697। अब हमें 4 डिजिट तक राउंड फिगर करना है, तो ये 5 को जब हाइड करेंगे तो इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, तो x8 इक्वल टू आ गया 2.0945। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो x7 आया था 2.0943 और x8 आ गया 2.0945। अब देखो डेसिमल के 3 प्लेस तक एग्जैक्ट इक्वल आ गया है, जब डेसिमल के 3 प्लेस तक एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा तो लास्ट x की वैल्यू ही फाइंड आंसर हो जाएगा। हेंस द रूट आर 2.0945, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एक होमवर्क है, आप होमवर्क लिख लीजिए, दो क्वेश्चन होमवर्क है। पहला इसमें क्या करना है, आपको फालसे पोजीशन मेथड अप्लाई करके रूट फाइंड करना है। और प्रॉब्लम नंबर 2 है x³ - 9x + 1 = 0 और x3 है, प्रॉब्लम 3 है x³ - x - 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट आज हमने बात किया न्यूमेरिकल मेथड का, रूट ऑफ इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उसका सेकंड मेथड है फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फॉल्स पोजीशन मेथड से किसी भी इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करेंगे आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।